तीन राज्य चार रिपोर्टर के वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैले मौजूद हैं? इस तरीके से गांव में दहशत का माहौल है, जैसे बताते हैं कि बांग्लादेश से छोड़े हुए आदमी। और चोटी काटने वाली चुड़ैल का पूरा सच, एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। सच्ची घटना में आज कहानी उस खौफ की, जिसे मैंने बेहद करीब से महसूस किया है। आज जब मैं घर से ऑफिस आ रही थी, उसी वक्त मेरी एक सहेली ने मेरी ये चोटी देखकर कहा, शगुन संभल कर जाना, सुना है दिल्ली और आसपास के इलाकों में महिलाओं की चोटी काटने वाला शैतान घूम रहा है। मेरी सहेली जिस खतरे से मुझे आगाह कर रही थी, मैं उस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैं जानती हूं कोई है जो महिलाओं की चोटी काटकर लोगों को दहशत से भर रहा है, लेकिन यकीन मानिए, वो कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और इसलिए मैं दावे के साथ कह रही हूं ये किसी सिरफिरे या बदमाश की ही कारस्तानी है। लेकिन वो कौन है, ये एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जो दिनों दिन गहराता जा रहा है। आधी रात के बाद अंधेरी गलियों में एबीपी न्यूज की टीम यूपी में किसने फैलाई दहशत, और मेरे ठीक पीछे ये गांव है, तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैले मौजूद हैं। हरियाणा में खौफ के पीछे कौन, इसका सच पूरा क्या है, यह अभी सामने निकल के नहीं आया, लेकिन लोगों के मन में ऐसा डर बैठा है कि लोग रातों को भी अपना जो सब कुछ पूरी सुरक्षा है घरों की वो देखते रहते हैं। दिल्ली वालों के डर का रहस्य। तो आज हम आए हैं रात 12:30 इस बात की पड़ताल करने के लिए कि गांव क्या क्या हाल है। चोटी काटने वाली चुड़ैल का पूरा सच, एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। कोई महिला दिल्ली की है, कोई हरियाणा की, तो कोई यूपी की, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। उन महिलाओं का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके डर की कहानी एक जैसी है। उनकी कहानी में डर है चोटी कटने का, डर है किसी गुमनाम साए का। क्या है उस डर का पूरा सच, देखिए एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। दिल्ली, हरियाणा और यूपी, देश के इन तीन राज्यों से एक के बाद एक सामने आ रही हैं महिलाओं की चोटी काटे जाने की घटनाएं। इन तीनों राज्यों के अलग अलग इलाकों में एक दर्जन से ज्यादा महिलाएं सुना चुकी हैं रहस्यमय ढंग से चोटी कटने के किस्से। ये ऐसे पता चले कि हम एकदम ऐसे चेत स्वभाव, तो हम बोले हमारे बाल कहां गए, फिर हमने और देखी तो बार ही नहीं चुटिया फुटिया। तो वे दीदी का सा दिखते कौन है, वे किसने भी उसने दिखा सा जिसकी चोटी कटता है से। अच्छा, फिर वो बेहोश हो जाए से। अरे बच्चे हैं घर में, तो वो डर रहे हैं कि चोटी कट जाएगी, वो सिर में चादर बांध के लेटते हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल के किस्से बयां करने वाली सभी महिलाओं के डर की कहानी तकरीबन एक जैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरा पर आप बीती सुना रही कोई महिला यूपी के किसी गांव की रहने वाली है या दिल्ली की, या फिर वो दिल्ली से सटे गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में रहती है।
जहां जहां महिलाओं की चोटी कटने की घटना हुई है वहां गलियों में खौफ और दहशत का कब्जा है। जिन लोगों ने इस डर को महसूस किया है वो पूरी तरह सदमे में हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की कई टीमें एक साथ निकली। हमारे संवाददाता रक्षित सिंह रात के समय मथुरा के सफर पर निकले। दिल्ली से तकरीबन 180 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके रक्षित सिंह उस गांव में पहुंचे जहां एक महिला प्रेमवती ने चोटी कटने की आपबीती सुनाई थी। मथुरा के नगला शीशराम गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो वक्त हुआ था रात के तकरीबन 12:30 बजे। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के गांव में भी फैला है चुड़ैलों का आतंक। क्या वाकई में गांव के अंदर चुड़ैले मौजूद हैं जो महिलाओं की चोटियां रात को काटकर ले जाती हैं? यही तफ्तीश करने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला शीशराम गांव में, और मेरे ठीक पीछे ये गांव है। तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैले मौजूद हैं। आधी रात के वक्त गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग नींद के आगोश में थे। हमारी टीम को गांव में देखकर लोगों की नींद टूट गई। हम यहां बुजुर्ग महिला प्रेमवती से बातचीत करने पहुंचे थे जिन्होंने चोटी काटने वाली चुड़ैल का किस्सा सुनाकर पूरे गांव को दहशत में डाल रखा है। हमें उनके घर में कई ऐसी चीजें नजर आईं जो दिल में और ज्यादा दहशत भर रही थी। घर में प्याज को क्यों लटकाया गया है और महिलाओं की बाजू पर ये ताबीज क्यों बांधे गए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बुजुर्ग महिला प्रेमवती की आपबीती सुन लेते हैं। ऐसे पता चले कि हम एकदम ऐसे चेत सो गए, तो हम बोले हमारे बाल कहाँ गए। फिर हमने और देखी तो बाहर ही नहीं छुटिया फुटिया। हम बोले मैंने ना सुनने का ना सुनने जगो मेरे, तो मैंने एगो कबाड़ो ये बोले काहे गो, मैंने मैं तो चुटिया ही ना बाहर कोई ले गो। ये बात है। उसके बाद क्या हुआ? मतलब एक झटका सो लगे और बिजली सी जुड़ी भैंस, फिर बेचैनी सी अवे लग पड़ी हमने शरीर में और ऐसे कछु। फिर तो होती गई, फिर चेत ही ना रहे, बोल सोई बंद है वो, फिर ऐसे ही गई। हमें तो 40 साल है गई, हमने तो कोई देखी ना पहली बार को झटका हो जाए। प्रेमवती और इनके पूरे परिवार का दावा है कि प्रेमवती सो रही थी, तभी एक साये ने आकर उनके बाल काट दिए। प्रेमवती का परिवार बेहद डरा हुआ है। उनके पति ने तो पत्नी की कटी हुई चोटी को अब तक संभाल कर रखा है। वजह कुछ भी समझ लीजिए, आप चाहें तो इसे प्रेमवती के साथ हुई इस खौफनाक घटना का सबूत भी मान सकते हैं। पूरा परिवार इस घटना से इतना डर गया कि प्रेमवती के पति को तांत्रिक की शरण में पहुंचना पड़ा। घर पर ही एक तांत्रिक को बुलाया गया और अनुष्ठान हुआ, और फिर तांत्रिक के कहने पर ही घर के दरवाजे पर प्याज को बांध दिया गया। साथ ही घर की सभी महिलाओं की बाजू पर तंत्र मंत्र का ताबीज बांध दिया। हाँ, हम सब भयभीत हैं साहब। मैं बताऊं तो मैं, हमने भगत सियान पे सबन के भी बंधवाए, मैंने की कहूँ ऐसा नो, हमने बाहर वो भी लटकाई है। जैसे ही बाहर से आए, एक प्याज है एक लहसुन है, वो सुई में धागे में बांध करके बाहर गेट पर लटका हुआ है। जो मैंने गेट, मैं बताऊँ आप, नहीं हमारे आज तक कोई ऐसी वो सुनी नहीं है फुआ, मैंने वो हकीकत है गई सब। दिल्ली और यूपी की तरह हरियाणा में भी कई महिलाओं ने रहस्यमय हालत में चोटी कटने की शिकायत की है। हरियाणा में हमारी दो टीमें इस रहस्य से पर्दा उठाने पहुंची। हमारे कैमरे में कैद हुई चौंकाने वाली तस्वीर। गुरुग्राम की गलियों में चोटी काटने वाले गुमनाम साये का डर है। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। मर्दों के साथ साथ औरतें भी रात भर जागकर पहरा दे रही हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के उसी इलाके की हैं जहां पिछले 2 दिन में चोटी काटने की 5 घटनाएं हो चुकी हैं। चोटी काटने की घटनाओं के बाद पूरे इलाके के लोग खुद ही पहरेदारी करने लगे हैं। कल महिलाओं की 5 नंबर गली में चोटी काट ली है, और पता चला है कि रात में कई बार आते हैं, तो हम इसलिए पहरा दे रहे हैं। हम भी तो देखें कौन चोटी काटता है, तो अपने महिलाओं की सेफ्टी करना हमारा काम है, इसलिए हम रात में पहरा देते ये पहरा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये चोटी कट रही है महिलाओं की, उसके लिए
कि ये किसी भी टाइम आते हैं, पता नहीं चलता रात का टाइम आ रहे हैं, तो उसी के लिए बस। ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए बैठे हैं और क्या करें, लड़कियां रात पूरी रात भी नहीं सोई तीनों की तीनों, कि भाई चोटी काटने के लिए चोटी काट रहे, उधर 5 नंबर गली में कटी है, इधर एन के पर कटी है। लोगों में ऐसा डर इन तस्वीरों की वजह से बैठा हुआ है। गुरुग्राम की रहने वाली इस लड़की और इस महिला ने दावा किया था कि किसी साए ने उनके बाल काट दिए। इन दोनों ने भी दहशत की वही कहानी सुनाई थी कि तेज सिर दर्द के बाद सदमे से वो बेहोश हो गई। मैं सो रही थी, मैं सुबह मैं एकदम सिर में दर्द हुआ, मैं बेहोश हो गई। मम्मी ने पानी का किंचा मारा आंखों में, पर मेरे बार मम्मी ने देखे मेरी चोटी पर बार लगे हुए हैं। तब मेरी बहन को पता चला, मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है, मम्मी ने बोली लाइट जला के देख। आप जब कटर की आवाज़ आई उस वक्त आप होश में थी? नो। क्या हुआ था आपको? मैम पता, मैं सो रही थी जब मम्मी ने लाइट जलाई, एकदम मैम चिल्ली मारने लगी, मैम सिर में दर्द हो रहा है मम्मी बहुत तेज का। पता चला छोटी वाली लड़की बोली कि मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है, तुमके कटर की आवाज़ आ रही है तो लाइट जला के देखो। लाइट जला के देखे, इसके पास को नहीं भी होश थे खाली, जिसको मैं जगाई हूँ इसकी दांतें बंद गई, लाल मुँह हो गया एकदम। फिर मैं देखे बाल तो नहीं कटे थे इसके, देखे बाल कटा हुआ। महिलाओं में डर ऐसा है कि वो रात को सिर पर कपड़ा बांध कर सो रही हैं। हालांकि पुलिस लोगों से ना डरने की अपील कर रही है। पुलिस के मुताबिक बाल काटने के दावों में अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिससे सवाल उठते हैं। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में अभी तक चोटी काटने वाली सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। तकरीबन 17 महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई है। इन कहानियों की हकीकत जानने के लिए गुरुग्राम में इस बड़ी पड़ताल पर एबीपी न्यूज की एक और टीम निकली। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव गुरुग्राम के भीमखेड़ी गांव पहुंचे। देश की राजधानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उससे सटे हरियाणा के गाँव में भी चोटी काटने वाले की अफवाह बुरी तरीके से फैली हुई है। और यही नहीं, कुछ जगहों पर जो है गांव में चोटी काटने की घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन इसका सच पूरा क्या है यह अभी सामने निकल के नहीं आया। लेकिन लोगों के मन में ऐसा डर बैठा है कि लोग रातों को भी अपना जो सब कुछ पूरी सुरक्षा है घरों की वो देखते रहते हैं। इस वक्त हम हरियाणा के गुड़गांव में हैं और गुड़गांव का ये खेड़ी गाँव है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इन लोग के मन में अभी भी भय है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 घटनाएं लगभग चोटी काटने की हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस गांव में चोटी कटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो गांव के कई लोग जागते हुए मिले। इलाके की बुजुर्ग महिला ने कहा कि अब तो घर के अंदर भी डर लगता है। डर लगता है ये कि जिस तरह घटना हो रही है, और के भाई डर तो लग गए ऐसे। हाँ, हाँ। दिन में आप बता रहे थे? हाँ, दिन में भी भाई, रात में भी हमें तो डर लग गए। वहीं गांव के कुछ लोग इस दहशत के पीछे बांग्लादेशी लुटेरों के गैंग को बताते हैं। उनका दावा है कि चोटी काटने की घटनाएं सचमुच हो रही हैं, ये कोई अफवाह नहीं है। के बांग्लादेश से छोड़े हुए आदमी है ये। हाँ, तांत्रिक। अच्छा, हाँ जी, तांत्रिक है ऐसा बताया जा रहा है। हाँ जी, ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से छोड़े हुए तांत्रिक है। जितने मुंह उतनी बातें, सबकी अपनी अपनी थियोरी है। किसी ने सुना कि चोटी काटने वाला कभी तांत्रिक के भेष में आता है, कभी बिल्ली के भेष में आता है, तो कभी चूहा बनकर आता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इस डर की वजह से ये लोग सुबह होने तक सोते ही नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि नजर रखें। इस पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने आधी रात के बाद गुरुग्राम से सटे नूह के ताउड़ू इलाके के कई गांवों का जायजा लिया। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी चोटी काटने की, बाल काटने की कई सारी घटनाएं आई। और इस बात की पड़ताल करने के लिए कि जिन इलाकों में इस तरह से महिलाओं की चोटियां काटी गई हैं वहां पर रातों को क्या हाल है, इस वक्त हम हरियाणा के नूह जिले के थाना ताउड़ू के इलाके में हैं। और हमने यहां पर 3 से 4 गांवों की पड़ताल की। यहां पर पिछले 10 दिनों में करीब 10 से 12 घटनाएं महिलाओं के बाल काटने की, उनकी चोटी काटने की आई थी, जिसमें इस घटना के बाद वो तुरंत बेहोश हो गई थी। हरियाणा के नूह जिले के कई गांवों में चोटी काटने की खबर सामने आ चुकी है। हालांकि इन गांवों की पड़ताल में हमें रात के 1:30 से 2:30 बजे के आसपास कोई भी जगता नहीं मिला। इस वक्त रात के तकरीबन आप देख सकते हैं 2:30 से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और अभी जो माहौल है अभी वो काफ़ी शांतपूर्ण बना हुआ है। जिस तरह की घटनाएँ लगातार आ रही थी उसको देखते हुए काफ़ी मुस्तैदी की गई, और उसके बाद लोग अभी फ़िलहाल इन गाँव में सुकून से सो रहे हैं।
टीम यूपी में पड़ताल कर रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक गांव में मौजूद थे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। ये वही गांव है जहां तीन महिलाओं ने चोटी काटने की आपबीती सुनाकर सबको चौंका दिया था। अब उस गांव में दहशत फैली है। दिल्ली में एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल पर निकले थे संवाददाता अंकित गुप्ता। चोटी काटने वाली चुड़ैल की दहशत का पूरा सच सामने लाने के लिए अंकित आधी रात के वक्त छावला इलाके में पहुंचे। हम पहुंचे हैं गांव कंगनहेड़ी में। ये वो गांव है जो कि दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सुर्खियों में है। वजह कि इस गांव में तीन महिलाओं की चोटी कट गई। हरियाणा बॉर्डर के पास दिल्ली के कंगनहेड़ी गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो हमारे कैमरा में दो चीजें कैद हुई। रात 2 बजे तक कुछ लोग गलियों में पहरा दे रहे थे, हालांकि उनके हाथ में डंडे नहीं थे। दूसरी बात जो गौर करने लायक दिखी वो ये कि घरों के बाहर नींबू और नीम की पत्तियां लटकी हुई थी। इन नींबू और पत्तियों को देखकर लग रहा था कि ये हाल ही में लटकाई गई हैं। आधी रात का वक्त है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन एक चीज जो बार बार ध्यान आकर्षित कर रही है वो है कि कमोवेश हर घर के बाहर कुछ इस तरीके से नींबू प्याज लटके हुए हैं। नींबू प्याज नहीं है तो नीम के पत्ते कुछ इस तरीके से घरों के बाहर लटके हुए हैं। देख सकते हैं इसमें लहसुन भी है, नींबू भी है, प्याज भी है, नीम के पत्ते भी हैं। गांव के लोगों ने हमें बताया कि यहां पर जब से चोटी काटे जाने की घटना हुई है तब से महिलाओं में दहशत है। लोग 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते और पुलिस नहीं आ रही है, इसलिए खुद ही पहरा देना पड़ रहा है। अफवाह के पांव नहीं होते, अफवाहें हवा के साथ उड़ती है, जुबान के जरिए सफर करती है। यही वजह है कि चोटी कटने की कहानियां धीरे धीरे एक राज्य से दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। ऐसे में हमारी ये गुजारिश है कि आप ऐसी अफवाहों को फैलने से रोकें। आपकी ये कोशिश दहशत फैलने से रोक सकती है। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज़।